नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन अभी चल रहा है, हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्रियों के निर्देशों का बिल्कुल पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को अभी बनाए रखना है और निश्चित रूप से हमें कोरोना महामारी को हराना है। कल हमने भारत चीन टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसी टॉपिक में जो मैंने कल डिस्कशन किए थे बहुत सारे पॉइंट्स, उसी के आगे का पार्ट हम लेने जा रहे हैं। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ले रहे हैं चाइना से रिलेटेड, और चाइना से रिलेटेड वो पॉइंट जो होगा जिसकी चर्चा हमने थोड़ी बहुत कल भी की थी, और हम चाइना में क्या क्या पढ़ेंगे इसके लिए आप कल वाला वीडियो पूरा देखें क्योंकि उसमें मैंने काफी एनालिसिस किया है। तो आज हमारा जो एनालिटिकल पॉइंट होगा वो भारत चीन पार्ट टू के अंदर सबसे पहले BRI क्या है, BRI या ओबोर क्या है, वन बेल्ट वन रोड क्या है, या इसी को बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है, मोतियों की धागा रणनीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है, एक प्राचीन काल में जो सिल्क रूट चलता था वो सिल्क रूट क्या है, और एक हम इसी में पढ़ेंगे सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। एक पार्ट जो होगा वो होगा सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, इसी के साथ साथ एक आपका होगा मैरिटाइम सिल्क रूट क्या है, MSR क्या है, मैरिटाइम सिल्क रूट क्या है। एक इंपॉर्टेंट इश्यू होगा CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काफी चर्चा में है, जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हमारा पार्ट है उससे इस पार्ट को निकाल रहे हैं, जिसका भारत सरकार ने जबरदस्त विरोध भी किया है, तो उसको भी हम देखेंगे। एक इसी में हम देखेंगे BCIM क्या है, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम BCIM है, उसको भी हम देखेंगे BCIM। और इसके साथ साथ आज की तारीख में चीन की 21वीं शताब्दी की सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है वो ओबोर है, OBOR, जिसमें चीन लगभग 900 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करके लगभग आने वाले 25 सालों के अंदर एक महाशक्ति बनने की पूरी तैयारी वो कर रहा है। और इसी को काउंटर बैलेंस करने के लिए हम दो पॉलिसीज को अलग से पढ़ेंगे। एक तो होगा कि भारत जो है वो चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए किस पॉलिसी को अपना रहा है, तो होगा भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति, इसको हिंदी में कहेंगे हिंद प्रशांत रणनीति। हिंद का मतलब हिंद महासागर और प्रशांत का मतलब पैसिफिक ओशन होगा, कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में भारत किस रणनीति को अपना रहा है उसको भी हम देखेंगे। तो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को हम यहां पर देखेंगे। लेकिन ये पूरी चीजें तो कम से कम पिछले 3 सालों से चर्चा में है, ये सब चीजें वापस चर्चा में क्यों आई है, क्योंकि अभी हाल ही में ये ब्लू डॉट नेटवर्क चर्चा में आए। तो ब्लू डॉट नेटवर्क भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, और ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, तो ये चीन की BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में वैश्विक अवसंरचना मतलब विश्व की आधारभूत संरचना को मजबूत करने वाले प्रोजेक्ट जो है, वैश्विक अवसंरचना के सिद्धांतों पर आधारित अवसंरचनाओं का प्रमाणन करना है। प्रमाणन का मतलब कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उस देश की आवश्यकता है या नहीं है, या अगर है तो किस प्रकार से बढ़ना चाहिए, किस प्रकार उसमें ऑनलाइन उसका आवेदन किया जा सकता है, इसके लिए इसकी चर्चा जो है आपसे जस्ट वन वर्ड में पूछे कि ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है, तो ये नेटवर्क रेटिंग मैकेनिज्म है, ये नेटवर्क रेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और सिविल सोसाइटी तीनों शामिल हैं। इसकी
चर्चा कब शुरू हुई, तो नवंबर 2019 में जो आसियान का 35वां सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन के दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने आसियान के 35वें सम्मेलन जो बैंकॉक में हुआ उसी में इंडो पैसिफिक फोरम में इसकी बात उठाई गई थी, इंडो पैसिफिक फोरम में उठाई गई। और किन तीन देशों ने इसको उठाया था, तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ब्लू डॉट नेटवर्क कहीं ना कहीं चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका द्वारा उठाई गई एक रणनीति का पार्ट है। अब सबसे पहले मानचित्र को आप देखिए, कल हमने चीन के मानचित्र को समझा था, एक छोटा सा मैंने मैप यहां पर दिया है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट से नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और अफ्रीका महाद्वीप के जस्ट ऊपर यहां पर ये जो है, यहां पे दो देश है, एक पुर्तगाल और स्पेन, ये दो देश है पुर्तगाल स्पेन, और यहां पर ये जिब्राल्टर जलसंधि है, ये मैं लिख दी यहां पर अफ्रीका और स्पेन के बीच में, यहां पर जो जलसंधि है उसका नाम जिब्राल्टर जलसंधि। और आपको पता है कि कोरोना महासंकट के कारण स्पेन भी चर्चा में है, इसलिए स्पेन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी जलसंधि है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, तो यहां पर जिब्राल्टर जलसंधि है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये पूरा अटलांटिक महासागर है, ये पूरा अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है। जनरली पहले यूरोप के लोग जो है, जब समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा जो आया, वो इसी रूट से ऐसे वो भारत में आया था, यहां से मोजाम्बिक चैनल को पार करते हुए अरब सागर होते हुए, अरब सागर हिंद महासागर का पार्ट है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ये पूरा इंडियन ओशन है, ये हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। अब उसके आगे बढ़े तो हिंद महासागर के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है उसको भी आप ध्यान रखना, यहां पर ये मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के जस्ट पास में यहां पर ये मॉरिशस है, ये मेडागास्कर है, तो ये मॉरिशस, जहां पर मॉरिशस को मिनी इंडिया भी कहते हैं, लघु भारत भी कहते हैं, और यहां पे ये छोटा सा देश है सेसेल्स, छोटा सा देश 110 द्वीपों का समूह है। उसके बाद यहां पर ये मालदीव, और ये हो गया श्रीलंका, उसके बाद यहां पर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में एक आइलैंड है कोको द्वीप, ये हो गया कोको द्वीप। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पर ये जो इंडो चाइना प्रायद्वीप है, उस इंडो चाइना प्रायद्वीप का ये पार्ट जो है ये मलेशिया है, और यहां पर ये इंडोनेशिया है, और यहां पर मले और इंडोनेशिया को अलग करने वाली जलसंधि है, उसी जलसंधि को हम कहते हैं मलक्का जलसंधि, उसी को हम कहते हैं मलक्का जलसंधि, मलक्का वाटर स्टेट। और इस जगह पर ये आप कहोगे दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर। तो आप लोग ध्यान रखना कि जनरली अफ्रीका महाद्वीप के साथ, भारत के साथ, श्रीलंका के साथ अगर चीन अपना समुद्री व्यापार करता है तो उसका विकल्प जो है, उसका रास्ता जो है, दक्षिण चीन सागर से होते हुए मलक्का जलसंधि को पार करके बंगाल की खाड़ी, और सीधा फिर अरब सागर से, यहां से आप आगे जा सकते हो, ये आ जाएगा लाल सागर। लाल सागर के इस पॉइंट पर यहां पर जो जलसंधि है उसका नाम बाब अल मंदिर है, इस जगह पे बाब अल मंदिर, जो बेसिकली यमन और जिबूती को अलग करती है, यमन एशिया महाद्वीप का देश। यहां पर जो आप देख रहे हो ये ईरान है, और इसके पास में पाकिस्तान, और ये अरब प्रायद्वीप है। यहां पर जो जलसंधि है उसको हम कहेंगे हार्मुज जलसंधि। एक प्रकार से मैंने सबसे पहले आपके सामने मैप को रिप्रेजेंट किया है कि मैप के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें, ये चाइना की लोकेशन है, ये यहां पर अरब प्रायद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेसेल्स, यहां पर जो है ये सेसेल्स है, यहां पर ये छोटा सा देश मालदीव, ये श्रीलंका, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहां पर ये मैंने कोको आइलैंड यहां पर सी लिख दिया, सी मतलब कोको आइलैंड्स होगा, और मलक्का जलसंधि। एक क्वेश्चन अभी लेटेस्ट एक एग्जाम में पूछा गया था, मलक्का विकल्प क्या है, व्हाट इज मलक्का अल्टरनेटिव, तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। सब चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहला
अगर इनमें सबसे कोई पुरानी चीज है तो वह है सिल्क रूट। सबसे पहले पूछे कि सिल्क रूट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और आप, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आप चाहो तो अपने तरीके से बाद में इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हो। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट अत्यंत प्राचीन काल में चीन को यूरोप के साथ जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग, जो चीन, भारत और यूरोप के मध्य प्राचीन काल में व्यापार में अहम भूमिका निभाता था या निभाया करता था, इस सिल्क रूट को, इसके ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए हाल ही में यूनेस्को ने इसे अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो पहला पॉइंट हो गया सिल्क रूट। सिल्क रूट स्पेशली चाइना को यूरोप के साथ जोड़ने वाला एक अत्यंत प्राचीन स्थल मार्ग है। तो पहला पॉइंट क्लियर, तो हमने यहां पे ये सिल्क रूट वाला किया। अब BRI या ओबोर को पढ़े, उससे पहले आप ये देखें, अगर आपसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी। क्या है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी? क्या है मोतियों की धागा रणनीति? क्या है? अगर आप राजस्थान में RS जैसा एग्जाम दे रहे हैं और वहां पर मान लीजिए क्वेश्चन आपको केवल 50 शब्दों में पूछा गया, 50 वर्ड्स में, तो 50 वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको? या फिर मान लीजिए उत्तर प्रदेश PCS में पूछा गया तो वहां पर कैसे लिखेंगे? ये मोतियों की धागा रणनीति क्या है, तो इसकी शुरुआत जो आप करोगे तो वो करोगे, ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है, ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है। This is the part of China's foreign policy. ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत चीन बंगाल की खाड़ी से लेकर या आप इसको यहां से ले, जिसके अंतर्गत चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित कर अपने तीन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, आपसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है, तो ये चीन की, उत्तर क्या होगा, ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित कर अपने तीन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। अब वो तीन ऑब्जेक्ट क्या होंगे चाइना के? नंबर वन होगा नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना, नीली अर्थव्यवस्था, फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी, और ध्यान रखना द्वीपीय देशों की अर्थव्यवस्था को नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। साथ ही साथ अगर कोई देश बंदरगाहों के निर्माण पर, उनके विस्तार पर, पोताश्रम के निर्माण पर, उनको जोड़ने पर और समुद्री अर्थव्यवस्थाओं को फोकस करता है तो इस प्रकार की नीति को ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले चीन का पहला ऑब्जेक्ट है नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना, नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना, पहला पॉइंट होगा। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर नियंत्रण करना, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, इंटरनेशनल वाटरवेज, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर नियंत्रण करना, विशेष रूप से हिंद प्रशांत महासागर पर नियंत्रण करना। और तीसरा, भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को समुद्री क्षेत्र में घेरना। तीसरा ऑब्जेक्ट होगा भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को
महासागरीय क्षेत्र में घेरना। तो आपसे जस्ट क्वेश्चन ये पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति से आप क्या समझते हैं, या मोती का मतलब होगा समुद्र में स्थित छोटे छोटे द्वीपीय देश, और धागे का मतलब होगा पॉलिसी रणनीति। तो एक साथ हम बोले, हम मोतियों की धागा रणनीति क्या है, ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर अपने तीन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। नंबर वन, नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना। नंबर टू, अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर नियंत्रण कर विशेष रूप से हिंद महासागर में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना। और तीसरा, भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को महासागरीय क्षेत्र में प्रतिसंतुलित करना या घेरना। यह होगा अगर आपसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड यह बन सकता है कि चीन ने अपनी मोतियों की धागा रणनीति जो है उस पर काम करने के लिए, या ऐसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है और इसके क्रियान्वयन के लिए चीन ने कौन से कदम उठाए हैं, तब आपसे पूछे कि चीन ने कौन से कदम उठाए हैं, स्टेप्स कौन से लिए हैं। तो स्टेप्स को हम ये देखें तो नंबर वन देखोगे आप, स्पेशली ये शुरू होगा यहां से, और पहला देश जो हिंद महासागर का इधर आएगा स्पेशली म्यांमार। तो म्यांमार का कोको द्वीप, आपको पता है कोको आइलैंड को चीन ने लीज पर ले लिया है, और कोको आइलैंड जो अंडमान निकोबार के जस्ट उत्तर में है, और वहां पर चीन ने अपना सर्वेलेंस सिस्टम एस्टेब्लिश करके अपनी सैन्य स्थिति को बंगाल की खाड़ी में मजबूत किया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो पहला पॉइंट जो होगा, चीन ने मोतियों की धागा रणनीति पर कौन से कदम उठाए। नंबर वन, म्यांमार में कोको द्वीप पर अपना सर्वेलेंस सिस्टम स्थापित करना, सैन्य स्थिति को मजबूत करना। नंबर दो, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की चटगांव बंदरगाह का पुनर्निर्माण करना, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ चटगांव पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। तीसरा पॉइंट होगा, अगर यहां से आप चलोगे तो ये म्यांमार, ये बांग्लादेश, और फिर तीसरा देश यहां पे आएगा श्रीलंका। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि श्रीलंका के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा। यहां पर ये श्रीलंका, और श्रीलंका के जस्ट यहां पर ये जो आप देख रहे हो श्रीलंका के दक्षिण के अंदर, यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है हम्बनटोटा, जिसका नाम है हम्बनटोटा। आप इसको नोट डाउन भी करना और अपने तरीके से बढ़िया सा मैप तैयार करना, और जब इतना समझाने के बाद में चिंता होनी नहीं चाहिए, तो आप हम्बनटोटा, और ध्यान रखना हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन ने श्रीलंका को ऋण देकर, श्रीलंका को ऋण देकर, लोन देकर, इतना लोन दिया है कि इस बंदरगाह का इतना उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। मैं इसको कहना चाहूंगा, सपोज कीजिए कि चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 1,000 करोड़ रुपए चीन को दिए, और उस 1,000 करोड़ की मान लीजिए जो लोन किस्त है वो 10 करोड़ है, तो श्रीलंका क्योंकि उस हम्बनटोटा बंदरगाह का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है जितने सपने चीन ने दिखाए थे, तो इस स्थिति में हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वहां पर जो निवेश किया है वो 1,000 करोड़ श्रीलंका चुका नहीं पाएगा। यहां तक कि उस 1,000 करोड़ की मान लीजिए किस्त 10 करोड़ है, और वो 10 करोड़ भी नहीं चुका पा रहा, वो 10 करोड़ भी चीन देकर वापस लोन देकर आ रहा है। यहां पर श्रीलंका जैसे देश जो है, या श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान जैसे देश जो है, एक नए प्रकार के चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसको हम कहते हैं डेब्ट ट्रैप, ऋण जाल, और उस ऋण जाल से
निकलना बहुत मुश्किल है, और अगर ऋण जाल से निकलना मुश्किल है तो ये देश आने वाले वक्त में इनको चीन की हर बात को मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं, और उनको डेब्ट ट्रैप से निकालने के लिए ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जो नया पॉलिसी का इजाद किया है उसी को हम कहते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क, उसी का नाम होगा ब्लू डॉट नेटवर्क। तो मैंने आपको कहा हम्बनटोटा, और आपको शायद जानकारी आश्चर्य होगा कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा को 99 वर्ष के लिए, 99 ईयर्स के लिए श्रीलंका को लीज पर दे दिया है। इसका मतलब होगा 99 ईयर्स तक ये बंदरगाह श्रीलंका के पास, चीन के पास रहेगा। श्रीलंका ने हम्बनटोटा 99 वर्षों के लिए, इसी प्रकार कोको द्वीप भी म्यांमार ने लीज पर दिया है। ये एक प्रकार से चीन की आर्थिक और सामरिक नियंत्रण दोनों है। तो मैंने ये कहा कि मोतियों की धागा रणनीति के तहत चीन ने कौन से कदम उठाए हैं, तो एक म्यांमार के कोको द्वीप में सर्वेलेंस सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का पुनर्निर्माण करना, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्ष के लिए लीज पर लेना, और चौथा होगा इसी में मालदीव की राजधानी माले भी आपको पता है एक बंदरगाह है, और उसका भी पुनर्निर्माण करना, उसका भी रिकंस्ट्रक्शन करना। इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट में ऊपर लिख देता हूं पांचवा, और आप यहां पर आ जाइए, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के किस बंदरगाह का रिकंस्ट्रक्शन चीन कर रहा है, तो उसका नाम है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। इसी प्रकार छठा सेसल्स पर भी चीन अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, सेसल्स के ऊपर भी। और सातवां, आप लोग ध्यान रखना, यहां पर ये जो जलसंधि है जो यमन और अफ्रीका के बीच में है, यह जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जहाज जो भूमध्य सागर से आते हैं वो स्वेज नहर को क्रॉस करके लाल सागर होते हुए इस जलसंधि से निकलेंगे। इस जलसंधि का नाम है बाब अल मंदेव की जलसंधि। आप मैप में देखना जरूर कि बाब अल मंदेव की जलसंधि किन दो सागरों को जोड़ती है, तो उत्तर होगा लाल सागर को अदन की खाड़ी से या लाल सागर को अरब सागर से। लेकिन यहां पर जो लोकल खाड़ी है उसका नाम अदन की खाड़ी है। तो आपसे पूछे कि बाब अल मंदेव की जलसंधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है और किन दो देशों को अलग करती है, तो ये अलग करती है यमन को जिबूती के साथ। मतलब बाब अल मंदेव की जलसंधि के पास जो निकटतम देश है अफ्रीका महाद्वीप का, उसका नाम जिबूती है। तो आप कोई सर आप में जिबूती क्यों बता रहे हो, तो अभी पिछले साल चीन ने अफ्रीका महाद्वीप के छोटे से देश जिबूती के साथ एक समझौता करके इस क्षेत्र में अपना पहला सैन्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, और जिबूती ने यह सैन्य केंद्र चीन को सौंप दिया है। और ध्यान रखना, इसको सौंपने का मतलब होगा स्वेज केनल के यातायात पर चीन का नियंत्रण होना, जो आने वाले वक्त में अमेरिका, भारत, इजिप्त जैसे देशों के लिए खतरा होगा, क्योंकि चीन इन देशों को डेब्ट ट्रैप से बाहर निकलने नहीं देगा, और चीन अपनी सामरिक स्थिति भी यहां पे मजबूत कर रहा है। तो एक मैंने सेसल्स लिखा, सातवां मैंने लिखा जिबूती। अब रिपीट कर रहा हूं वापस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था, मोतियों की धागा रणनीति क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है। ये चीन की विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर अरब सागर तक फैले हुए द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जिसके तीन उद्देश्य है। नंबर वन, नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों पर नियंत्रण करके अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना, विशेष रूप से हिंद महासागर में। और तीसरा पॉइंट होगा भारत जैसे प्रतिद्वंदी देश को हिंद महासागर में घेरना या महासागरीय क्षेत्र में घेरना। और इसके लिए उसने कौन से कदम उठाए हैं, तो इसके लिए उसने म्यांमार के कोको द्वीप, बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह, श्रीलंका का हम्बनटोटा, मालदीव का माले,
पाकिस्तान के ग्वादर साथ साथ सेसल्स और जिबूती जैसे देशों के साथ भी वो अपने बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ये होगा अगर आपसे पूछे कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है और इसके तहत चीन ने कौन से कदम उठाए हैं, इसका उत्तर ये वाला होगा। अब जब आप ये समझ गए तो कहीं ना कहीं आप ये समझे होंगे कि चीन जो है अब इधर से आने के बजाय, मतलब दक्षिण चीन सागर से भी आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उसको मलक्का जलसंधि क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहां से सीधा, जैसे यहां म्यांमार से ये चटगांव से हम्बनटोटा और हम्बनटोटा से मालदीव होते हुए सीधा ग्वादर, और ग्वादर से आपको पता है एक बन रहा है सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे सीधा यहीं से चीन सीधा यहां पे आ सकता है। अगर ये सभी बंदरगाहों को जोड़ देता है तो फिर एक क्वेश्चन आपका बनता है और वो बनता है कि MSR क्या है, इसी को हम कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है, मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है। और मैरीटाइम सिल्क रूट आपको तब समझ में आएगा जब आपको यह समझ में आ जाए कि मोतियों की धागा रणनीति क्या है। तो आपसे पूछे कि मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है, तो उत्तर होगा चीन अपनी मोतियों की धागा रणनीति के माध्यम से हिंद महासागर के द्वीपीय एवं प्रायद्वीपीय देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण कर रहा है जो प्राचीन सिल्क मार्ग की तरह समुद्री क्षेत्र में उसके आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने और उसके सामरिक नियंत्रण में अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसी रूट को मैरीटाइम सिल्क रूट कहा जाता है, और मैरीटाइम सिल्क रूट अगर सक्सेस होगा तो चीन को इस जल संधि को क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कहते हैं मलक्का विकल्प क्या है, और जब आपसे पूछे कि मलक्का विकल्प क्या है, तो मलक्का का विकल्प होगा मैरीटाइम सिल्क रूट। और मैरीटाइम सिल्क रूट जब आप बताओगे तो मोतियों की धागा रणनीति और जो मैंने बंदरगाह बताए उनको आपस में जोड़ना, यह उसका उत्तर होगा। तो MSR सबसे पहले मैंने कहा सिल्क रूट क्या है, समझ में आ गया। फिर मैंने कहा मोतियों की धागा रणनीति क्या है, मोतियों की धागा रणनीति का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया गया है। फिर मैंने कहा MSR क्या है, मैरीटाइम सिल्क रूट क्या है। अब उसके बाद हम देखें सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। एक होगा सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या होगा, तब आपका उत्तर होगा कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट जो है SREB क्या है, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। इसका उत्तर बताने के लिए आपको थोड़ा यह बोलना पड़ेगा क्या कि सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है, तो उत्तर आपका होगा देखो SREB क्या है, इसको हम कहेंगे सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है। तो इसका उत्तर होगा, उत्तर देखने से पहले मैंने ये कहा कि चीन की सिजियान प्रांत को पहले यूरोप से जोड़ने वाला एक मार्ग था। सपोज कीजिए ये जो मार्ग था इसी मार्ग को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते हैं। ये प्राचीन काल में था और ये स्थल मार्ग है जो चीन को किसके साथ जोड़ता है, यूरोप के साथ जोड़ता है। चीन अब इस क्षेत्र की और वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, और महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए उसे आर्थिक रूप से मजबूत होना होगा, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए उसे अपने देश के अंदर बहुत सारे प्रोडक्शन सेंटर खोलने होंगे, और उन प्रोडक्शन सेंटर को सक्सेस करने के लिए उनके मटेरियल को कहीं ना कहीं खपाना होगा, और उनके मटेरियल खपाने के लिए
उसके अन्य देशों के साथ में संबंध बेहतर होने चाहिए। तो चीन जो है एक नए रूट का निर्माण कर रहा है और ये नया लैंड रूट होगा, और ये किस क्षेत्र बनेगा, जिस क्षेत्र में प्राचीन काल में सिल्क रूट चलता था। अब आपसे सीधा क्वेश्चन, सीधा उत्तर बोले, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट क्या है? ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत चीन अपने प्राचीन सिल्क रूट का पुनर्निर्माण करके एक नए प्रकार के स्थल मार्ग का निर्माण कर रहा है, जिसमें बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे ट्रैक का पुनर्निर्माण किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत चीन इस प्रकार के 6 स्थल मार्गों का निर्माण कर रहा है। कितने? 6 स्थल मार्गों का निर्माण कर रहा है। ये जो 6 स्थल मार्ग होंगे ये कौन से होंगे? एक तो चीन से यूरोप तक का, नंबर वन। नंबर टू, चीन से पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर, जिसको हम कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक और ये दो। तीसरा होगा चाइना म्यांमार बांग्लादेश इंडिया, इसको हम कहते हैं BCIM, तो ये होगा तीसरा। एक होगा चाइना मंगोलिया और रसिया, एक रूट ये होगा चाइना मंगोलिया और रसिया, तो ये चौथा हुआ। एक होगा चीन से सीधा मध्य एशिया मिडिल एशिया, ये पांच होगा चीन से मिडिल एशिया, और एक चाइना से सीधा तुर्की जाएगा। तो इस प्रकार के 6 रूट, 6 गलियारों का निर्माण चीन करेगा, और ये संयुक्त प्रोजेक्ट जो है वो एक साथ कहलाएगा SREB, सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। क्या कहलाएगा ये? सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट। और ध्यान रखना, अभी तक किसी एग्जाम में इसको पूछा नहीं गया है, इसलिए इस बार के यूपीएससी एग्जाम में या आरपीएससी के आरएस के एग्जाम में या मध्य प्रदेश के पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि SREB क्या है। तो ये आपको समझ में आया। अब इससे जुड़ा हुआ मैं यहां पर ही बोल दूं, CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये बेसिकली सिल्क रूट से सीधा किस पोर्ट को जुड़ेगा? ग्वादर बंदरगाह को, ग्वादर पोर्ट को, जिसका पुनर्निर्माण पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट का पुनर्निर्माण चीन कर रहा है। तो ये होगा आपका SREB। SREB जो होगा ये लैंड रूट पर है, और MSR जो है मैरीटाइम सिल्क रूट जो है ये स्पेशली हिंद महासागर के अंदर है। अब आप देखो, अगर ये रास्ता पूरा एक तैयार होता है जो कंप्लीटली सीधा हिंद महासागर से जुड़ रहा है, यहां से भी जुड़ रहा है और यहां से भी जुड़ रहा है, अगर ऐसे जुड़ता है तो चीन को इधर से आने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सीधा इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से सीधा अरब सागर में पहुंच सकता है, और अरब सागर से सीधा अफ्रीकी देशों तक आ सकता है। अब 100 बातों की एक बात, और वो है आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछे, ओबोर क्या है या BRI क्या है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव क्या है, या तो BRI पूछेगा, उसी का नाम है OBOR, वन बेल्ट वन रोड क्या है। तो जस्ट आपको अगर इसका उत्तर मैथमेटिक्स में देना हो, गणित में इसका जवाब देना हो, तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर MSR प्लस SREB इक्वल्स टू OBOR, MSR मैरीटाइम सिल्क रूट और सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट को, देखो यहां से ये शुरू हो रहा है MSR, और इसी को आप SREB के साथ जोड़ दो तो मैरीटाइम सिल्क रूट और SREB मिलके बन जाएगा वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। आपसे पूछे कि ओबोर क्या है, तो मैरीटाइम सिल्क रूट और सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट को जोड़ दिया जाए तो बनने वाली महत्वाकांक्षी परियोजना को ही वन बेल्ट वन रोड कहा जाता है। और वन बेल्ट वन रोड चीन की किस नीति का हिस्सा है? उत्तर होगा मोतियों की धागा रणनीति का हिस्सा है।
मोतियों की धागा रणनीति का हिस्सा है। अब आपसे कहे सर, मान लीजिए आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 15 वर्ड्स में या 20 वर्ड्स में कि ओबोर क्या है, तो इसका उत्तर होगा ये चीन की 21वीं शताब्दी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत चीन अपने प्राचीन सिल्क रूट का पुनर्निर्माण करके सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट का निर्माण कर रहा है। वहीं हिंद महासागरीय क्षेत्र में मैरीटाइम सिल्क रूट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति को मजबूत कर रहा है, और इसके लिए चीन ने लगभग 900 मिलियन का निवेश किया है। इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अर्थात एमएसआर एवं एसआरईबी को संयुक्त रूप से ओबीओआर कहा जाता है। तो ये आपका होगा एसआरईबी और ओबीओआर। अब उसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछे कि सीपीईसी क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। उससे पहले मैं एक चीज और बताऊं, वर्ष 2018 में ओबोर समिट हुई, जिसमें 60 से अधिक देशों ने वहां पर भाग लिया, और उसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के कई देश शामिल थे, जिनके स्थल मार्गों का, जिनके बंदरगाहों का, जिनके रेलवे नेटवर्क का, जिनके सैटेलाइट सिस्टम का निर्माण चीन इस क्षेत्र में कर रहा है। लेकिन भारत ने उस ओबोर समिट में भाग नहीं लिया, बल्कि भारत ने अपना एतराज जताया। भारत ने इसका विरोध क्यों किया, इसका उत्तर क्या होगा। तो पहले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, सीपीसी क्या है, तो उत्तर होगा ये चीन की ओबोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट का हिस्सा है, जो अरब सागर को चीन के स्थल मार्ग से जोड़ने के लिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से कराकोरम हाईवे, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, से होते हुए चीन को जोड़ता है। इसके अंतर्गत चीन पाकिस्तान में व्यापक स्तर पर निवेश कर रहा है। इसी प्रोजेक्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, और भारत ने इसका जबरदस्त विरोध इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को जोड़ने वाला क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर है, और पाक अधिकृत कश्मीर पीओके भारत का अभिन्न अंग है, और यदि चीन इस क्षेत्र में किसी प्रकार के रिकंस्ट्रक्शन का निर्माण करता है या रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में भारत ने इसका विरोध किया है, और भारत ने कहा है कि यह हमारा है, आप इस क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण मत कीजिए, और यदि यह किसी प्रकार का मुद्दा है, विवाद है, तो यह केवल शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा है पीओके, इसलिए यहां पर चीन को सीपीसी प्रोजेक्ट नहीं चलाना चाहिए, और इसका विरोध दर्ज कराने के लिए ही भारत ने ओबोर समिट में भाग नहीं लिया। साथ ही साथ भारत अगर इस समिट में भाग लेता तो पाकिस्तान की तरह भारत भी चीन का एक पिछलग्गू देश माना जाता। यहां पर भारत ने अपना विरोध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, और आप लोग ध्यान रखना, इस समय हम भी कमजोर नहीं है, भारत भी एक ताकतवर देश है, और इस क्रम में भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे कि भारत की हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, तब उसका जवाब देने के लिए सबसे पहले ये पूछे कि भारत की हिंद प्रशांत रणनीति क्या है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, इंडियाज
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे? शुरुआत वही जैसे आपने मोतियों की धागा रणनीति की थी, वहां बोला था चीन, यहां बोला भारत। कैसे? ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है, ये भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है जिसके अंतर्गत भारत हिंद महासागरीय एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देशों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित करके अपने तीन उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। और वो तीन ऑब्जेक्ट है, नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना, मतलब भारत की भी अपनी ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है। नंबर वन, नीली अर्थव्यवस्था पर बल देना। नंबर टू, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर अपनी स्थिति को मजबूत करना। और तीसरा पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा वो होगा चीन को प्रति संतुलित करना, या ऐसे लिख सकते हो चीन की MSR को, मैरिटाइम सिल्क रूट को प्रति संतुलित करना। ये क्या होगा? भारत की हिंद प्रशांत रणनीति। और फिर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भारत ने अपनी हिंद प्रशांत रणनीति के तहत कौन से कदम उठाए हैं, भारत ने हिंद प्रशांत रणनीति के तहत कौन से कदम उठाए हैं। तो नंबर वन, हिंद महासागर के छोटे से देश सेसेल्स की भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा और सेसेल्स के राष्ट्रपति की भी भारत यात्रा, और इन यात्राओं के दौरान यह समझौता हुआ है कि चीन की सेसेल्स का एजम्पशन द्वीप, सेसेल्स का एजम्पशन द्वीप जो मेडागास्कर के उत्तर में है, वहां पर भारत एवं सेसेल्स मिलकर एक संयुक्त सैन्य केंद्र की स्थापना करेंगे। एकदम आपके लेटेस्ट प्री एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि एजम्पशन द्वीप क्यों चर्चा में है। तो एजम्पशन हिंद महासागर में स्थित, सेसेल्स का एक छोटा सा द्वीप है जो मेडागास्कर के उत्तर में है, भारत एवं सेसेल्स मिलकर यहां पर एक संयुक्त सैन्य केंद्र की स्थापना कर रहे हैं, एक संयुक्त सैन्य केंद्र की स्थापना यहां पे कर रहे हैं। ये एजम्पशन, तो पहला पॉइंट होगा एजम्पशन। दूसरा, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार पीएम बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा मालदीव के साथ में की है, एवं मालदीव के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के स्पष्ट संकेत दिए हैं। ये किस बात की ओर संकेत करता है? ये संकेत करता है कि भारत मालदीव के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकता है। दो, साथ ही साथ श्रीलंका के साथ भी भारत ने व्यापक समझौते किए हैं, श्रीलंका भी हिंद महासागर में है। चौथा, अफ्रीकी देश जिबूती के राष्ट्रपति इस्माइल गुले, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं रहा है, लेकिन अभी पिछले साल वहां के जिबूती के राष्ट्रपति इब्राहिम गुले या इस्माइल गुले को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया है। इसी प्रकार ईरान के ग्वादर बंदरगाह, ध्यान रखना यहां पर ग्वादर बंदर के पास ईरान का छाबहार बंदरगाह है, भारत छाबहार बंदरगाह का पुनर्निर्माण कर रहा है ताकि ग्वादर बंदरगाह को प्रति संतुलित किया जा सके। साथ ही साथ भारत ने प्रशांत महासागर के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देशों के साथ मिलकर, फिपिक नामक संगठन की स्थापना की है, वो होगा FIPIC, फिपिक नामक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, साथ ही साथ भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के माध्यम से तेल का उत्खनन कर रहा है जो भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा है। साथ ही साथ आसियान देशों के साथ भारत ने अपने बेहतर संबंध स्थापित करके बाफ्टा की स्थापना की है, भारत आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और साथ ही साथ चीन को प्रति संतुलित करने के लिए अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक चतुष्कोणीय वार्ता को दे रहे हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड, QUAD। इसको हम अलग से ही पढ़ेंगे, QUAD क्वाड जो है
उसका भी यहां पर किया गया है। तो ये मैंने क्वेश्चन सब के सब ये आपके क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद में भारत के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है, इसको भी क्लियर हो गया है। और एजम्पशन द्वीप क्या है, भारत की हिंद प्रशांत रणनीति क्या है, भारत ने किन किन देशों के साथ संबंध स्थापित किए हैं, ये सब यहां पर आएगा। ये मैंने पहले बता दिया है आपको, BRI मोतियों की धागा रणनीति, सिल्क रूट, SREB, MSR, CPC, BCIM बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार को जोड़ने वाला रूट है जिसकी बात चीन कर रहा है। उसके बाद में हम चलते चलते एक बात करें कि चीन का दबदबा जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसी दबदबे को प्रतिसंतुलित करने के लिए, और ये जो देश, जो छोटे छोटे देश हैं जैसे मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, जिबूती, इन ये देश जो चीन से भारी लोन लेकर उसके डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं, उनको डेब्ट ट्रैप से निकालने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के नेतृत्व में जिस नेटवर्क को अंजाम दिया है उसे हम कहते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क। ये नेटवर्क ये बताएगा, क्योंकि ये एक प्रकार की रेटिंग मैकेनिज्म है, ये उन देशों को बताएगा कि कोई भी प्रोजेक्ट जो आपकी आधारभूत संरचना को मजबूत कर रहा है उसकी आवश्यकता आपको है या नहीं है, क्या ये प्रोजेक्ट पर्यावरण के अनुकूल है, क्या ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं आपके जो लेबर एक्ट है उसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है, क्या ये प्रोजेक्ट आपको डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसाएगा। इस प्रकार के नेटवर्क को अंजाम दिया गया सबसे पहले हाल ही में नवंबर 2019 में आसियान के 35वें सम्मेलन के दौरान, जो अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने बैंकॉक में किया और इस ब्लू डॉट नेटवर्क को अंजाम दिया। तो ये तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके प्री एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि वर्तमान में चाहे वो UPSC हो, RAS हो, हरियाणा PCS हो, पंजाब PCS हो, मध्य प्रदेश PCS हो, उत्तर प्रदेश PCS हो, इन तमाम PCS में जो एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जब फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें कुछ चीजें जो आई है, बड़ा चीज है, वो मैं अलग से क्लास लूंगा, जैसे FIPIC क्या है, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन क्या है। तो दोस्तों, ये आज हमारा चाइना इंडिया रिलेशन का पार्ट टू था। कल भी हम इंडिया चाइना पार्ट थर्ड को करेंगे, और भी जो बहुत सारी चीजें, जैसे हांगकांग के अंदर मूवमेंट चल रहा है, मकाओ क्या है, दक्षिण चीन सागर के विवाद क्या है, उसको एकदम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक और शेयर ही हमारी इनकम है, और अगर आप जितना लाइक और शेयर करेंगे, आपको चाहे मटेरियल की PDF पहुंचानी हो या आपको नए मटेरियल को नए अंदाज में प्रस्तुत करना हो, उसके लिए आपको एक काम निश्चित रूप से करना होगा, और वो काम होगा आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना है, ताकि अनअकैडमी आपके पास नई नई चीजों को जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से बेहतर हो सकती है वो आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। हम एक एक घंटे की इस क्लास में प्रयास कर रहे हैं कि एक घंटे में आपके पास 4 घंटे का मटेरियल पहुंचे, और चीजों का जो जुड़ाव है वो आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से आए। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।